गाइस लगना चाहिए गर्मी लेकिन लग चुकी है ठंड। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सुबह सुबह भी बहुत ठंड है। और अभी 11 बज रही है, मतलब सुबह के 11 बज रही है, लेकिन अभी भी बादल छाए हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ पर। पिछले साल भी क्या हुआ था कि जैसे मतलब सीजन लगा था गर्मी का, और फरवरी और मार्च के बीच में ऐसा तूफान आया, ऐसा पानी आया कि पूरा महीना पानी पानी रहा था, तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, उसमें गेहूँ का भी नुकसान हुआ था। इस बार भी क्या हो रहा है कि अभी से ही मतलब मार्च लगने से पहले पहले ही मतलब बादल आ चुके हैं, और पानी भी कई जगहों पर गिर रहा है, बरसात हो रही है, और हमारे यहाँ भी बरसात हो सकती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हुई मौसम की बात, अभी अपनी बात करते हैं। गाइस आपको पता है दोस्तों कि सब पूरा काम हो चुका है, लगभग कलर वलर भी सब पूरा हो चुका है, एक दरवाज़ा बाकी है उसको भी आजकल में ख़त्म करते हैं। धूप नहीं है, तेज़ धूप निकलती तो मैं दरवाजे को भी लगा रहता, क्या है कि सूखता ही नहीं ना, रात भर नहीं सूखा। अभी वो जो शटल है ना वो अभी तक नहीं सूखी है जिसको कलर किया है, तो ऐसा है इसलिए मैंने ना अभी उसको रोक दिया है। इसलिए ना मैंने फ्रिज अभी चालू नहीं किए, दो फ्रिज है मेरे पास, वो अभी मैंने चालू नहीं किए, गोले चालू नहीं किए अभी, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब अभी मतलब रखे हुए हैं। अभी क्या है कि 1 तारीख से चालू करेंगे, मेरे को पता है कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ पर, इसलिए मैंने रोक दिया था। देखो बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और धूप तो है नहीं, सूरज तो पता नहीं बादलों में ढका हुआ है। ये रहा सूरज, इतनी तेज़ रोशनी नहीं है उसकी, वो ठंड लग रही है। 7 पुड़ा में भी आप देखो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, बिल्कुल बादल बादल बादल, धुआं 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 ऐसा लगता है। चलो घर जाते हैं, अगर मौका मिला तो दरवाजे को भी कलर कर देंगे, अगर अच्छे से धूप निकलती है तो, और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। आज है ना साहिबा दुकान चला रही है, वो भी मोबाइल के साथ, और चिप्स से भी खा रही है। क्या खा रही साहिबा? टेढ़े मेढ़े। और आपको मैं क्या दिखा रहा था, हाँ ये कलर देखो, ये अभी सूखा ही नहीं है, बिल्कुल गीला है, जबकि ये इसको है ना 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि धूप ही नहीं है, इतनी धूप ही नहीं निकली कल से। हाँ इधर इधर भी गीला है ये। हम लोग ये चिप्स का पैकेट है ना वो लगाया है, तो खोलने और बंद करने के लिए है ना। खाना खा लेते हैं, खाने में क्या बना है, ये तो हलवा है देखो दोस्तों, ये कल बनाया था, मुर्दे की दाल बनी है ये। तो भाई साहब अभी खाना वाना खा चुके, तो भाई साहब अभी आए हैं छत पे, और असद का कैरम बोर्ड कितना ख़राब हो चुका है, अभी इसको है ना सब साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से, बिल्कुल दाग लग चुके हैं, नहीं तो असर है ना मुझे डांटेगा कि ये क्या कर रहा है मेरे कैरम बोर्ड के साथ में। लग रहा था कि आज मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है, उल्टा और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपको ये कमरा कल दिखाया था, इसके भी सभी ना पोपड़े वोपड़े सब खिर रहे हैं, देखो ये निकल रहे पोपड़े। हालांकि ये मकान बनेगा, जब भी हमारी कुटीर वुटीर आएगी ना, ये मकान ऊपर का बनेगा, अब तोड़ेंगे ये। और यहाँ पर भी कलर कर दिया गया है बहुत, कल लेना सामान मुझे यहाँ से हटाना पड़ा और वापस से रखना पड़ा यहाँ पर, ये तो काम में लेना है। अभी गर्मी में ना इसमें पानी डालेंगे ठंडा, बिल्कुल ठंडा, और लोगों को पिलाएंगे। भर ले हवा बेटा, हवा भर ली, हाँ दादा हाँ आप टक्कर दे जरा पीछे से, टक्कर दे टोकरे को, दो पीछे से पीछे टक्कर मार टोकरे को, टोकरे ठंड लग गई है, ठंड वापस चालू हो गई, ध्यान रखना जरा। हाँ वो गई साइकिल, इसमें साइकिल दिलवा दूं, कुबड़ी की जरूरत नहीं, नहीं भाई। ये साइकिल अच्छी,
तो गाइस अभी आया है गन्ने का जूस, तो क्या चीज मिला है तुम्हारे? तो गन्ने का जूस उनको पिलाते हैं। साहब अभी ना रात के 10 बज रहे हैं और पानी की छींटे आने लग गए हैं, बिजलियां भी बहुत तेज कड़क रही है और मैं आया हूँ छत पर। ये कपड़े डले हैं ना यहाँ पर सूखने के लिए, इनको लेने के लिए फटाफट से इनको निकालते हैं और इनको अंदर रखते हैं, नहीं तो ये गीले हो जाएंगे फिर से। पानी के छींटे आ रहे हैं और बिजलियां बहुत कड़क रही है, पानी बहुत उठा है, पानी बढ़ भी सकता है, इसलिए मैं ये कपड़े वपड़े जो भी टंगे हैं ना यहाँ पर इनको सब अंदर कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर देखना अभी बिजली है ना चमकेगी, ये देखा आपने यहाँ पर। तो गाइस बच्चे अभी सो चुके हैं, असद भी सो गया है, सनाया भी सो गई है और ये छोटी छोटी जो है कि बहुत मोटी है, बहुत मस्ती करती है, अभी तक नहीं सोई है। ये मौसम बरसात है ना बहुत मुसीबत की होती है, और जब बरसात में बरसात होती है तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी फिलहाल बेमौसम बरसात हो रही है तो बहुत मुसीबत का घर है ये, है ना साहिबा? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गुड नाइट।